एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा हो ये पाइप थोड़ा लगते हैं। दोस्तों कैसे हो आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, सब कुछ बिजी। जय श्री राम दोस्तों। 10:30 बज गए रात को दोस्तों, हम यहाँ के सो गए थे। इस जगह का नाम है दोस्तों रांची, है ना, रांची से दोस्तों 10 किलोमीटर चल के एक ढाबा है, घाट वाट पार करके वहाँ सो गए थे दोस्तों। अब जा रहे हैं दोस्तों टाटा मोटर्स पे, बात चल रही है, अब देखते हैं क्या रहता है। टाटा मोटर्स पे जाने का सोच रहे हैं, अगर आज मिल गया तो, टाइम मिल गया तो जाएंगे, वरना आज का सफर बहुत लंबा होने वाला है दोस्तों। हम जाएंगे कटक, हमारा दोस्तों माल है विशाखापट्टनम, ठीक है दोस्तों। आपके भाई का माल है विशाखापट्टनम का, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ने वाला है। चल ही रहे हैं दोस्तों, बस ढाबे से निकल रहे हैं, मुँह हाथ धो के नहाए नहीं है, आगे ही नहाएंगे, 12-1 बजे नहा देंगे। भैरागुड्डा बाघ डोगरा गया, वो भैरागुड्डा तक जाके दोस्तों वहीं रुकेंगे, भैरागुड्डा। ये दोस्तों भी चलते हैं, भाई तुम्हारे भाई ने दोस्तों गाड़ी रोक लिया है, क्योंकि यार पीछे से हमारी गाड़ी दिखी नहीं रही यार, देखो साइड में से इस समय देखो, आखिर वो कहाँ चले गया है, पीछे ही पीछे हो गई दोस्तों। क्या करें यार दोस्तों, बहुत धीरे चलाते हैं यार गाड़ी, गाड़ी तो हम भी धीरे चलाते हैं, मतलब आने दो ने उनका, थोड़ा वेट करते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफर है। आ गई है दोस्तों हमारी गाड़ी, दोस्तों मारती गाड़ी। और फिर से निकल गए हैं दोस्तों अपनी राहों पे, अब एक गाना सुनाऊंगा मैं आपको अपनी सुरीली आवाज में। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा है, 100 में भी अकेले हैं। मुझको तू जानिए, एक बार अभी रह गया है हमारा चौका, 47 किलोमीटर है दोस्तों चौका, मतलब 1 घंटे का रास्ता है चौका जाने के लिए। और भाई का एक कमेंट आ रहा था भाई, 16 टायर और 18 टायर में क्या फर्क है भाई, 16 टायर में 18 टायर में दोस्तों धरती आसमान का फर्क है। 16 टायरों को आप घुमाने में ही बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, कहीं घुमाना हो, मोड़ना हो छोटी जगह से, तो भाई 10 बार आगे करो, 10 बार पीछे करो, तब जाके मुड़ेगा वो। और भाई शेर गाड़ी रहती है, ऐसी मुड़ देती है एक बारी में, और भाई उसकी चलाई हमने कभी चलाया नहीं है, सिंगल जीपीएस गाड़ी है, चलाने में काफ़ी अच्छी होगी, पर भाई हमारा घोड़ा भी अच्छा ही है, मज़ा आता है चलाने में, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ठीक है गाड़ी। और दोस्तों एक भाई का कमेंट आ रखा कि भाई आपको टाटा गाड़ी पसंद है, ओ भारत बैंक गाड़ी पसंद क्यों है टाटा के मुकाबले? दोस्तों मुझे तो टाटा ही पसंद है, पर यार भारत बैंक गाड़ी अच्छी लगती है, क्यूटेस्ट है वो, जैसे लगते हैं। और दोस्तों फीचर्स भी काफी तगड़े हैं उसके, पर ये जो दोस्तों ये हमारी गाड़ी है ना टाटा, टाटा की ठीक ना BS6 दोस्तों, ये बहुत हैवी गाड़ी बना रखी है टाटा वालों ने, इसका जो कंट्रोलर है ना चलता नहीं, हमारा कंट्रोलर वो बात अलग है, हम कंट्रोलर भी बहुत तगड़ा दे रखा है, जो घाट में उतरते हैं ना, अगर आप 4th गियर या 5th गियर लगा के बैठोगे तो ये आपका RPM उठने नहीं देगा कंट्रोलर, इतना सही कंट्रोलर बना रखा। भारत बैंक है दोस्तों, टाटा है, टाटा तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, अगर आप तीन साल मतलब चला के दोनों को बेचोगे, ये 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महंगी बिकेगी, वो 2 लाख सस्ती बिकेगी, ये देख लो दोस्तों। ये रॉन्ग साइड चल लेते हैं गाड़ी देखे, बाहर कम से ढंग के काम कर लो, पर कह रहा के वो दे रखता है डाइवर्जन, इसलिए अब रॉन्ग साइड चल लेते हैं। और ये वजह होती है दोस्तों अचानक ही जब तुम्हारे सामने गाड़ी आने लग जाती है, ओहो ये माल गिर गया भाई, देख माल गिर गया भाई, गाड़ी भी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा भाई। खुद ही यार उसका माल गिर गया, माल गिर गया दोस्तों, पता है बहुत लपड़े हो जाते हैं दोस्तों जब आपके साथ ऐसा सीन हो जाता है, मतलब आपका माल गिर जाए और किसी के घर पे लग जाए, तो यार दोस्तों
माल ही तब उठाने देगा जब आपको उसके घर के पैसे देने पड़ेंगे। दुनिया में दोस्तों अच्छे लोग कमी है, अच्छे लोग कमी है दोस्तों, से सही बात भी है। अभी देखते हैं क्या होगा, वो तो उस भाई को ही पता होगा कि कैसा है बंदा। बाकी यार सेफ्टी वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी गाड़ी को दोस्तों। जब भी लोड करो कोई भी माल रहे बहुत अच्छे से पैकिंग कर लो उसको, जिससे कि आप पे कोई वो ना आ जाए। अपने पास हर सिस्टम होना चाहिए अपनी गाड़ी में, 10 बेल्टें होनी चाहिए, रस्से होने चाहिए। एक बेल्ट दोस्तों 500 रुपये की मिलती है और 10 बेल्ट 5000 की होती है। रस्सा होना चाहिए बढ़िया, फिर बल्ले होनी चाहिए 3 अच्छी अच्छी। माई स्पीड दोस्तों 60 भाग रही है ट्रक और आरपीएम देख लो दोस्तों 15 पे है। अभी पहुंच चुके हैं दोस्तों हम चौका और आगे आने वाला है चांडिल दोस्तों। 12 किलोमीटर का हो जाएगा चांडिल, जमशेदपुर रह जाएगा 35 किलोमीटर दोस्तों। जमशेदपुर को ब्रेक लेंगे, बस डिस्टॉप जो हमारा चल के सुबह का होगा और जमशेदपुर का होगा दोस्तों। ये चौका के नीचे आप बोले जो दोस्तों राइट मारते ही चाय वासा निकल जाता है, उड़ीसा बड़बिल साइड दोस्तों मिलते हैं आगे कहीं जब रुकेंगे। गाड़ी लगा रहे हैं हम साइड में क्योंकि हमने गाड़ी बहुत चला दी है और टाटा मोटर्स भी है दोस्तों। इधर गाड़ी दिखा सकते हैं ये दोस्तों, टाटा मोटर्स में घुस गए हैं और बात करके मिलता हूँ फिर दोस्तों मैं गाड़ी साइड में लगा के, ठीक है दोस्तों। दोस्तों टाटा मोटर्स पे लगा दिया गाड़ी, अब चेक करवाते हैं गाड़ी को क्या क्या काम है। लैपटॉप लगेगा अभी गाड़ी में, उसके बाद वो सब कुछ बता देगा। कंट्रोलर नहीं चल रहा ना दोस्तों, कभी कभी चलता है तो उसको दिखाना जरूरी था। और CL भी लीकेज हो रहा है वो भी दिखाएंगे और दोस्तों ये भी दिखाएंगे। देखो दोस्तों ये देखो ना, मतलब नई गाड़ी में अगर आपके साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। ये तो टाइट है, वो ढीला है, लॉक है दोस्तों, ये चेक करवा देंगे तो ठीक रहेगा। हम यहाँ बैठ चुके हैं और वो अंदर चल रहा है काम गाड़ी का, उसमें थोड़े तार वार वायरिंग शॉर्ट थे और पर ये जो बता रहे हैं इनका लैपटॉप थोड़ा पागल हो गया है, कह रहे हैं कि न्यूट्रल मार के चलाते हो तुम गाड़ी, मतलब गाड़ी को फोन में ही चेक कर रहे हैं। हाँ दोस्तों मतलब बोल रहे कि न्यूट्रल मार के गाड़ी चलाते हो, मतलब न्यूट्रल अगर मारेंगे गाड़ी को तो भैया तो फिर तो हमने रोक ली थे, ब्रेक को भी तो रुकती ना है, न्यूट्रल पर कहाँ से गुजरी। तो चलो कोई बात नहीं, इनकी बात भी ठीक ही होगी यार, जैसे इनका लैपटॉप बोल रहा है। अभी देखते हैं कितने टाइम लगेगा हमारी गाड़ी ठीक होने में। फाइनली दोस्तों हो गया है काम, कंट्रोलर तो दोस्तों चालू कर दिया है, पर यार टाटा मोटर्स में आगे बहुत लफड़ा ही है। एक घंटे मतलब 2-3 घंटे हो गए गाड़ी खड़े हुए। मैंने बोला CL वाले को चेक कर लो, वो भी चेक नहीं किया उन्होंने। अभी दोस्तों हम रोटी खाने आ रहे हैं ना,
उस दिन सिस्सा फिट करने में यार पूरा दिन खराब कर दिया भयंकर। चलो ठीक है दोस्तों, रोटी खाने में जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे जब काम होगा। फाइनली दोस्तों रोटी खा ली है, रोटी खा के फिर टाटा मोटर्स में जा रहे हैं। 1:54 हो गए हैं, 2 बजे बोल रहे थे कि आ जाएंगे टाटा मोटर्स वाले, देखते हैं क्या क्या रहते हैं। अब तो काम कराने के बाद ही मिलेंगे दोस्तों आपसे। दोस्तों चांडिल आ गए थे, चांडिल में दोस्तों हमारे दोनों प्रेशर पाइप फट गए हैं, मरते मरते बच गए। ये देखो पाइप फट गया यार, ये देखो ये लगा रखे यार वहाँ से, ये पाइप थोड़ा लगते हैं, टायर फट गया दोस्तों ये देखो, इसके वजह से प्रेशर पाइप भी फट चुके हैं हमारे, ब्रेक फेल हो गए थे गाड़ी के। फाइनली दोस्तों टायर फट गए थे हमारे गाड़ी के, और टायर फिर चेंज किए हैं हमारे दोस्तों, टायर फट गए हैं, प्रेशर पाइप भी फट गया, दोनों प्रेशर पाइप फट गया, अभी प्रेशर पाइप सही करवाएंगे और टायर तो हमने कर दिया फिट, अभी टायर लेंगे नया दोस्तों। ये पहले चेंज नहीं दिया था, उसके बाद बेचारे के पास टायर नहीं थे, फिर मैंने इसमें से अपना नया दे दिया था, मैंने कहा चल कोई बात नहीं अपनी गाड़ी अब दे देगा हमें आगे दे दिलाएंगे नया। निकल गए हैं, टायर ट्यूर बनवा लिया है बढ़िया करके, बस थोड़ा काम रह रहा है, देखते हैं आके कोई मिस्त्री मिल जाएगा तो उससे पाइप फिटिंग करवा लेंगे, वरना बहुत लफड़ा हो जाएगा, रात को कोई मिल लेगा नहीं फिर कहाँ चलाएंगे बिना ब्रेकों की गाड़ी। बात यह है कि सारी दोस्तों अब खाली घोड़े घोड़े के ब्रेक लग रहे हैं, ट्राली के लगने की नहीं, कोई ट्राली के पाइप फट गए, इसलिए मैं आराम आराम से चला रहा हूँ, बस एक बार मिस्त्री मिल जाए उसके बाद ये काम भी करा के ओके कर दें। ठीक है दोस्तों आगे मिलते हैं। दोस्तों हमारे पाइप फट गए हैं इसके, ये पाइप पूरा ही निकलेगा दोस्तों, नया पाइप डलेगा था वो तो सेकेंड हैंड डलवा दिया पाइप, ओरिजिनल पाइप है कंपनी का, देखते हैं कितनी देर लगेगी। शाम के 5 बज गए, शाम के बज गया दोस्तों 6 टाटा मोटर्स के बाद दोस्तों हमारी गाड़ी के पाइप फट गए, टायर फट गया था दोस्तों हमारा, उसके बाद पाइप फट गया, उसके चक्कर में प्रेशर के सारे डुप्लीकेट पाइप डलवा रखे थे, ऐसे ही काम कर रहे थे। चलेंगे हम आज, हमारी गाड़ी चलने वाली है दोस्तों कटक तक, कोई भरोसा नहीं है, उससे पहले भी सो सकते हैं और उससे आगे भी चल सकते हैं, आराम से चलाएंगे दोस्तों, ज़्यादा लंबा नहीं सोच के चलना चाहिए। और दोस्तों जो नेक्स्ट कुछ दिनों बाद जब मैं अपनी लोकेशन पहुँचाऊँगा, मतलब कल मैं अपनी लोकेशन रिवील कर दूँगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉग हमेशा पूरा देखें दोस्तों। जो दोस्तों नए बंदे आते हैं ब्लॉग देखने तो भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कमेंट भी करें, और अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका भाई तुरंत आंसर देता है, मतलब चैट्स में दे देता हूं दोस्तों, जब मैं खड़ा होता हूं तो मैं ज़रूर आंसर करता हूं, ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दिया, लाइक करके छोड़ दिया, नहीं, जब तक मैं फ्री हूं तब तक मैं कर देता हूं कमेंट्स, वरना मैं चैट्स नहीं पढ़ता। और दोस्तों जो अपना नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है, ठीक है, प्लस उसमें पता क्या क्या होने वाला है दोस्तों, उसमें किलोमीटर बताएंगे अपना, कितने किलोमीटर हमने गाड़ी चला दी है, ठीक है दोस्तों, 1 महीना हो गया दोस्तों हमें यहाँ घूमते घूमते लोकल में गाड़ी चला रहे हैं, मतलब पहले मैं चला था दोस्तों दिल्ली से गाजियाबाद से मैं खड़गपुर आया, खड़गपुर से मैं झारसुगड़ा गया, झारसुगड़ा से मैं पटना गया, पटना से मैं लोड करके वापिस जा रहा हूँ यहाँ, ठीक है, वहाँ से लोड करूँगा, जब पटना से मैं जहाँ जो मेरी लोकेशन है वहाँ तक जाऊँगा, और उस लोकेशन पर जाके मैं दोस्तों खर्चे का ब्लॉग बनाने वाला हूँ, ठीक है, इतने किलोमीटर चला के गाड़ी, इतने का डीजल पी के गाड़ी, कितना पैसा बच गया है गाड़ी में, ठीक है दोस्तों, अंदाजा बताएगा कि भाई इस अंदाजे में इतना पैसा बच गया होगा गाड़ी को, ये मेरा हिंट रहती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई गाड़ी को 4-5 लाख रुपए बचे हैं और गाड़ी बना लो आप भी, गाड़ी चलाओ दोस्तों,
गाड़ी का काम बहुत शॉर्टेज है, माल नहीं है अभी अभी बिल्कुल भी, इस काम में हार्ट में डालना। और जो भी बोलता है कि आपको कि भाई मैं तेरे सपोर्ट में खड़ा हूँ, दोस्तों सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता, अपने दम पे करना है जो भी करना है, खुद के दम पे, ठीक है दोस्तों। और आज का दोस्तों ब्लॉग करते हैं यहीं है कि रात हो गई है और 9 बज गए हैं। सबको प्यारी सी गुड नाइट और सबको जय श्री राम। मिलते हैं फिर दोस्तों कल की सुबह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय श्री राम।